कश्मीर के बांदीपुरा जिला में एक समारोह से इत्र मीडिया से बातचीत करते हुए शनिवार को पीडीपी प्रमुख ने कहा कि कश्मीरी पंडितों का क्या कसूर था जो कश्मीर छोड़ने के बाद भी अगर यहां रहना उन्होंने स्वीकार किया और जिस तरीके से कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग का दौर शुरू हुआ है वे वास्तव में निंदनीय है। पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती ने सभी नेताओं और अन्य धर्म गुरुओं से लोगों के साथ भाईचारे के साथ रहने और एकता के साथ रहने की अपील की है। साथ ही साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर भाजपा को भी घेरने का कोई कमी नहीं छोड़ी। कश्मीर के जिला शोपियान में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित पूर्ण कृष्ण भट्ट की शनिवार को गोली मारकर हत्या कर दी। इसकी जिम्मेदारी केएफएफ ने ली है। डीआईजी सुजीत कुमार ने कहा कि जांच में पता चला है कि आतंकी एक ही था। मामले की जांच की जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस पर अगर बात की जाए तो अभी हम पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जाँच अभी चल रही है। थोड़े समय में चीजें क्लियर की जाएंगी। दक्षिण कश्मीर के शोपियान में आतंकियों ने शनिवार को कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद से ही जम्मू में लोगों के अंदर उबाल देखने को मिला। जम्मू में शनिवार को इस हमले को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हुए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस घटना पर निंदा की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि शोपियान में पूरन कृष्ण भट्ट पर आतंकियों का हमला एक कायराना हरकत है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आतंकियों और उनकी सहायता करने एवं उकसाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। शोपियान में आतंकियों ने कायराना हरकत कर एक नागरिक की गोली मारकर शनिवार को हत्या कर दी। उसके विरोध में शनिवार को पुंछ का यूथ सड़कों पर उतरा हुआ नजर आया। पुंछ में पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और इस दौरान जो है जमकर नारेबाजी की गई। बता दें कि आतंकी हमले की निंदा करते हुए पाकिस्तान का पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया गया और मांग की गई कि पाकिस्तान को और साथ ही साथ आतंकियों को सबक सिखाया जाए। जम्मू के व्यापारी इस समय गुस्से और रोष में हैं क्योंकि अगर बात करें तो लगातार जो है प्रशासन की तरफ से कई ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिससे कि इनका गुस्सा और रोष थमने का नाम नहीं लिया जा रहा है। शनिवार को भी जम्मू के व्यापारी सड़कों पर उतरे हुए नजर आए। बता दें कि रिलायंस स्टोर्स के खुलने के विरोध में इन्होंने तवी पुल को बंद किया और जमकर उपराज्यपाल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जम्मू में रिलायंस स्टोर्स खोलने की बात की है उसके बाद से ही ट्रेडर फेडरेशन जो है अपना गुस्सा और रोष व्यक्त करती हुई नजर आ रही है। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने शनिवार को जिला सांबा के जतवाल का दौरा किया और वहां कार्यक्रम को संबोधित किया। इससे पहले सांबा में पहुंचने पर मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया और वहीं प्रशासन द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर बोलते हुए राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर का विकास करवाना ही केंद्र सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए मंत्रियों को यहाँ भेजा जा रहा है। शनिवार को शिवसेना की तरफ से भी अपने पार्टी कार्यालय के समीप छन्नी हिम्मत चौक पर बिजली दरों में 8% की अप्रत्याशित बढ़ोतरी के फैसले के विरोध में अपना रोष व्यक्त करते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर पार्टी प्रदेश प्रमुख मनीष सानी ने कहा सरकार की इस मंशा से साफ जाहिर हो रहा है कि वे बिजली का निजीकरण करवाने का मन बना चुके हैं। सरकार अपनी चहेती कंपनियों को फायदा पहुँचाना चाहती है और आम व्यक्ति को पीसना। जहां देश लगातार तरक्की कर रहा है वहीं दूसरी तरफ रियासी के लोग सड़क के लिए रोना रो रहे हैं। बता दें कि मामला ब्लॉक पोनी के पहली गांव का है। पहली गांव के लोगों का कहना है कि यहां पर सिर्फ पैदल चलने तक का रास्ता ही उपलब्ध है और पक्की सड़क के नाम पर कुछ नहीं। इन्होंने कहा कि जहां झूठे वादे जो हैं कई सरकारों और प्रशासनों की तरफ से किए गए अब वे इससे तंग आ चुके हैं। शनिवार को इन्होंने अपना गुस्सा और रोष व्यक्त किया और साफ तौर पर उपराज्यपाल प्रशासन से अपील की है कि इनके गांव के लिए यहां पर सड़क का काम जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए। सरकारी मशीनरी में शामिल रहकर आतंकवादियों का साथ दे रहे कर्मचारियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को जारी रखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 5 सरकारी कर्मचारियों को शनिवार को सेवा मुक्त कर दिया। आरोप ये है कि ये कर्मचारी नार्को टेररिज्म में शामिल थे।